नमस्कार, स्वागत है आप सबका शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर। पुराने जमाने में लोग चूल्हे पर खाना पकाते थे, पर आजकल तो सबके किचन में एलपीजी सिलेंडर देखने को मिलता है। अभी तो गांव में भी लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करने लग गए हैं। लाल रंग का वह भारी सा सिलेंडर जिसके बिना किचन में कुछ पकाया ही नहीं जा सकता। अब तो सिलेंडर की जगह एलपीजी पाइपलाइंस आ गई हैं, जिसे पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको सिलेंडर भरवाने की परेशानी भी नहीं होती है। रसोई गैस ने गृहिणी के जीवन को काफी आसान कर दिया है। हालांकि सुविधाजनक होने के साथ साथ एलपीजी गैस कई बार काफी खतरनाक भी हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस गैस में इतनी बदबू क्यों आती है? जब भी गैस लीक होती है तब बदबू आती है, और वैसे खाना पकाते वक्त गैस में से बदबू नहीं आती है। आखिर इस गैस में ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिससे सिर्फ गैस लीक के वक्त ही बदबू आती है? तो चलिए जानते हैं, जाने क्या है बदबू की वजह। रसोई घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। आपको बता दें कि एलपीजी पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एलपीजी गैस में किसी भी तरह की कोई गंध होती ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो गंध लीकेज के समय निकलती है तो वो क्यों आती है? यह एलपीजी गैस जब तक सिलेंडर या पाइप में और सिर्फ चूल्हे से निकलती है तब तक बड़े काम की है, लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस के उत्पादन के समय इसमें मरकैप्टन नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। यदि रसोई गैस में मरकैप्टन न मिलाया जाए तो लीकेज का पता नहीं चल पाएगा और कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसे समय रहते रोका भी नहीं जा सकता। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस से बदबू क्यों आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।